गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आबिद खान एंड यू आर वाचिंग कराचियंस अकेडमी यूट्यूब चैनल। सो कनेक्टिंग टू आवर प्रीवियस लेक्चर्स, सो वी हैव स्टार्टेड एएस लेवल अकाउंटिंग पास्ट पेपर्स एंड पेपर नंबर 19706। एंड राइट दिस टाइम वी हैव सेलेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर वन एंड इट्स वेरिएंट टू व्हिच इज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। तो अच्छा, वी हैव अटेम्प्टेड अक्टूबर नवंबर अटेम्प्ट 2022। सो इन आवर लास्ट वीडियो वी ऑलरेडी हैव डन क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री एंड क्वेश्चन फोर। सो टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सो द क्वेश्चन नंबर फाइव सेज विच आइटम इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो मैंने जिस तरह इससे पहले भी आपसे बोला था कि वेन एवर यू आर रीडिंग, वेन एवर यू आर मीन्स रीडिंग अ क्वेश्चन, वेरी केयरफुली रीड इट एंड एंड फोकस ऑन वॉट इज रिक्वायर्ड। सो इट इज ओनली रिक्वायर्ड, ही इज आस्किंग यू कि वॉट इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, तो रेस्ट ऑफ द वी हैव टू मीन्स अवॉइड अदर एरर्स, वी सिंपली हैव टू मीन्स पॉइंट आउट व्हिच इज द एरर इन फोर ऑप्शंस गिवन हियर, व्हिच वन इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, मैं अगर आपको थोड़ी सी अगर हल्का सा एक्सप्लेन कर दूं, तो अगर देखें डेविड हॉपकिंस की सीआईई की जो बुक है, अगर उसके अंदर हम देखते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल होता क्या है। एरर ऑफ प्रिंसिपल बेसिकली, अगर किसी ट्रांजेक्शन को आपने रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया और ऐसे रॉन्ग अकाउंट में अ ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड टू अ रॉन्ग अकाउंट एंड व्हिच इज नॉट द सेम टाइप एज द करेक्ट अकाउंट। देखो इसमें होता ही है कि आप क्लास ही चेंज कर देते हैं, टाइप ही चेंज कर देते हैं इन एरर्स के अंदर। मसलन आपका एक्सपेंस था और आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया रेवेन्यू, तो आपने टोटली टाइप ही चेंज कर दी, इन प्रिंसिपल प्रिंसिपल मिस्टेक किया आपने, ठीक है। इसी तरह अगर लायबिलिटी थी उसको एसेट रिकॉर्ड कर लिया या एसेट को लायबिलिटी रिकॉर्ड की, तो आपने टाइप चेंज कर दी। तो इस टाइप के जो एरर होते हैं जिसमें आप प्रिंसिपली आप मिस्टेक करते हैं, उनको हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं, एक चीज, ठीक है। और एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है कि आप एंट्री तो सही डालते हो लेकिन रॉन्ग अमाउंट डाल देते हो इन दी बुक ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर, आप रॉन्ग अमाउंट डाल देते हैं। कंप्लीट परसेंट ऑफ द एरर क्या होता है कि अकाउंट विच शुड हैव बीन डेबिटेड हैज बीन क्रेडिटेड। और अगर आपने किसी अकाउंट को एसेट अकाउंट था उसको डेबिट होना चाहिए, डेबिट की जगह उसको क्रेडिट कर दिया, तो ये आपने कंप्लीट परसेंट एंड कंपनसेटिंग एरर जो एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन व्हाट इट सेज। अच्छा, नो रिकॉर्ड हैज वाज मेड ऑफ इन्वेंट्री विड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द प्राइवेट यूज। अच्छा, इसमें क्या क्या है कि ओनर ओनर ऑफ द बिजनेस ने कोई चीज विड्रॉ की है, तो कोई गुड्स पर्सनल यूज के लिए ले गए और उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये तो प्रिंसिपल एरर नहीं है, ये आपका है एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन है आपका। तो अच्छा, सेल्स रिटर्न्स वर क्रेडिटेड टू द रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट। अच्छा देखो, सेल्स रिटर्न जो होती है वो क्या होती है, आपके पास सेल्स वापस आ गई तो अल्टीमेटली आपका वो डेबिट होती है, सेल्स रिटर्न हमेशा आपकी डेबिट होती है। आपने क्या किया कि द सेल्स रिटर्न्स वर क्रेडिटेड टू द रिटर्न्स इनवर्ड, आपने उसको उल्टा क्रेडिट कर दिया, तो ये आपने कौन सी, आपने बेसिकली ये वाली मिस्टेक की, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, रॉन्ग सॉरी एन अकाउंट विच शुड हैव बीन डेबिटेड हैव बीन क्रेडिटेड, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री, ये एरर आपने किया है इसके अंदर। तो अच्छा, इसमें अगर हम देखते हैं तो ये है एरर ऑफ, तो यानी कि रिवर्सल ऑफ कंप्लीट एंट्री, ये आपने एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का एरर किया, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल तो है नहीं। अच्छा, द अमाउंट शोन ऑन अ परचेजेस परचेज इनवॉइस फॉर गुड्स फॉर रीसेल, ओके, वाज इनकरेक्टली, तो आपने क्या इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन द परचेज जर्नल। परचेज जर्नल के अंदर आपने कोई इनवॉइस थी और उसका अमाउंट आपने गलत रिकॉर्ड कर दिया, तो ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, पर आपने किसमें
प्राइम एंट्री बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर मिस्टेक कि आपने अमाउंट की गलत लिख दिया। अगर हम देखते हैं तो ये कौन सा होता है हमारा, ये एरर ऑफ द रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन दी अच्छा एन अकाउंट विच हैज बीन पोस्टेड, तो ये आपका कंप्लीट रिवर्सल ओरिजिनल एंट्री के अंदर आपने रॉन्ग अमाउंट इज एंटर्ड इन दी अमाउंट ऑफ द प्राइम, तो यू हैव मेड एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये आपका है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अच्छा इधर आते हैं, द कॉस्ट ऑफ मशीनरी रिपेयर्स वाज डेबिटेड। अच्छा रिपेयर्स आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है, सही, तो डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट आपका नॉन करंट एसेट है, तो आपने क्या करा, एक्सपेंस को आपने एसेट रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पे आपने प्रिंसिपल मिस्टेक की, तो इसके मायने है कि यही आपकी असल मिस्टेक है, प्रिंसिपल मिस्टेक यही है, तो ये ऑप्शन ए बी सी आर नॉट एप्लीकेबल हियर, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अब जरा गौर से देखिएगा, अगेन मैं यही कहूंगा कि जब आप सवाल करें तो सवाल जब भी मल्टीपल चॉइस करें तो बी फोकस्ड ऑन योर क्वेश्चन, वेरी केयरफुली रीड इट एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड उसको भी। अच्छा इसमें रिक्वायर्ड क्या है एक बार देखें, व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस ऑन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब देखो इसमें बच्चे अक्सर ये कह रहे हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हम कहाँ मेंटेन करते हैं, जनरल लेजर के अंदर जहाँ पे सारे अकाउंट्स मेंटेन होते रहते हैं, जनरल लेजर से ही हम क्या बनाते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस से ही फिर हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो जनरल लेजर के अंदर हमारे ये रिकॉर्ड सब्सिडियरी लेजर में नहीं होता। तो अब ये क्या कह रहे हैं, व्हाट इज दी करेक्ट बैलेंस। अच्छा ये हमसे सिर्फ करेक्ट बैलेंस मांगता है, तो इसकी इसका कोई यानी कि हमें कोई परेशान नहीं होना चाहिए कि अगर कोई मिस्टेक सब्सिडियरी लेजर में हो रही है या कहीं पे भी हो रही है तो उसका इम्पैक्ट उस हमें उसको करेक्ट नहीं करना। अच्छा यहाँ पे ना ही हमें कोई किसी किस्म का कोई कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडियरी लेजर के दरमियान कोई रिकन्सिलेशन बनाना है, नहीं ये कह रहा है भाई ये बता दें सिंपल के सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का करेक्ट बैलेंस क्या है, तो फिर हम देखेंगे सिर्फ उन चीजों को, देखें इस चीज को समझिएगा कि हमने सिर्फ फिर उन चीजों को देखना है कि जो इफेक्ट कर रही हैं कंट्रोल लेजर में, यानी कि वो एंट्रीज जो कि कंट्रोल लेजर में आना चाहिए थी वो नहीं आई, तो हम सिर्फ उनको देखेंगे। अगर वो एंट्रीज जिनका कंट्रोल लेजर में नहीं आना था, चाहे वो सब्सिडियरी लेजर के अंदर कस्टमर अकाउंट्स के लेजर के अंदर जाना चाहिए था, तो उनको हम कंसिडर नहीं करें, तो हम सिर्फ और सिर्फ इन एंट्रीज को जिनका इम्पैक्ट आना था, जो रिकॉर्ड होना थी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर, सो वी विल ओनली बी कंसिडरिंग दोस एंट्रीज। अब आ जाए सवाल इस पे, द फॉलोइंग एरर्स हैव बीन, अच्छा इन्होंने कहे द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट ऑफ बिजनेस एट अ बैलेंस ऑफ 17,640, तो आपका ये डेबिट बैलेंस है और रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस ही होता है, समटाइम्स क्रेडिट आता है लेकिन वो बहुत नॉमिनल सा होता है, तो डेबिट बैलेंस ये है। दिस डिड नॉट अग्री विद द टोटल ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट्स इन द सेल्स लेजर। अच्छा सब्सिडियरी लेजर जो सेल्स लेजर है जहाँ पे हम बहुत सारे कस्टमर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते हैं, वो सब्सिडियरी लेजर होता है, वो मेन लेजर का जो जनरल लेजर का पार्ट नहीं होता, जनरल लेजर उसको कंट्रोल करता है सर, तो सब्सिडियरी लेजर के अंदर हम देखते हैं तो कस्टमर अकाउंट्स के अंदर वो कहता है कि ये उसका बैलेंस इसके बैलेंस से मैच नहीं कर रहा। देखिए मैं आपको अगर थोड़ा सा अगर आप इसको समझ लें तो एक्चुअली क्या होता है कि जनरल लेजर के अंदर तो आप मेन अकाउंट बना रहे होते हैं, जो कि जनरल लेजर के अंदर आप मेन अकाउंट बना रहे होते हैं जो कि जिसको कि हम अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट भी इसको हम कहते हैं, सही इसको एक्चुअली ये ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट होता है जिसको कि कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। इसमें इसमें एंट्रीज आती हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज से, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के टोटल हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं, और हम जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से इंडिविजुअल एंट्रीज हैं वो हम सब्सिडियरी लेजर के अंदर, तो ये सेल्स का है, तो सेल्स का जो आपने सब्सिडियरी लेजर बनाया होगा वो सेपरेट बना हुआ होगा,
और उसके अंदर सेल्स के बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स, इंडिविजुअल पार्टनर्स अपने लोगों के, मसलन ए बी सी डी उनके, ये आपका होगा सब्सिडियरी लेजर। सब्सिडियरी लेजर के अंदर आप मेंटेन कर रहे होंगे इंडिविजुअल के अकाउंट्स। तो हम फिर क्या करते हैं कि सब्सिडियरी लेजर में हर इंडिविजुअल अकाउंट, अगर ए का आपके पास 200 है और बी का अगर 400 है, सी का अगर आपके पास 100 है, और इस तरह अगर डी का भी 100 है, तो टोटल आपका आ रहा होता है इसका। अच्छा, कुछ डी डेबिट बैलेंसेस हैं और किसी के क्रेडिट बैलेंसेस भी होते हैं, मसलन सी के क्रेडिट बैलेंस हो सकता था थोड़ा सा। तो इस तरह ये, तो ये जो टोटल होता है ना, ये टोटल इट शुड मैच विद द टोटल इन जनरल लेजर का, इस अकाउंट से मैच होना चाहिए। तो ये इंडिविजुअल लिस्ट बनती है सब्सिडी लेजर की, तमाम का टोटल शुड बी इक्वल टू। अब मसला वो यही कह रहे हैं कि दिस इज नॉट मैचिंग विद ईच अदर। तो ये हमारा तो इसमें द टोटल ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट इन दिस सेल्स लेजर, दिस डिड नॉट अग्री विद द टोटल ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट्स इन द सेल्स लेजर। सब्सिडी लेजर के अंदर जो इंडिविजुअल अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, उन सब का जो टोटल है इंडिविजुअल अकाउंट्स का, वो इसके बराबर होना चाहिए कि बराबर नहीं। तो अगेन ये रिकंसिलेशन फिर भी नहीं मांग रहा, ये कह रहा है कि भाई मुझे सिर्फ आप ये बता दीजिए कि मेरे इस अकाउंट के अंदर करेक्ट बैलेंस क्या होना चाहिए। तो वी हैव टू फोकस ओनली दोज एंट्रीज व्हिच विल अफेक्ट द कंट्रोल अकाउंट, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को जो तो वो कर रही होंगी। हमने सिंपली वी विल बी कंसिडर। अब हम आते हैं इधर, तो हम देखते हैं कि अगर देखो अब इसमें जो रेलिवेंट एंट्रीज हैं सिर्फ हम उनको लेंगे। अगर हम देखते हैं कि इस पर जो बैलेंस इसने दिया है, बैलेंस करंट बैलेंस जो इसने हमें दिया है वो है 17,640। इज अ बैलेंस गिविन टू यू, ठीक है, डेबिट बैलेंस है ये, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद एन इनवॉइस इन दिस सेल्स जनरल, ये आपका सेल्स जनरल मीन्स सेल्स डे बुक, जो कि प्राइम बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, 460 हैज बीन एंटर्ड रॉन्गली इन दिस सेल्स। अब ये देखिए कि सेल्स जनरल के कोई 460 किसी इंडिविजुअल इनवॉइस का अमाउंट था, आपने मिस्टेक कहाँ की है, वेयर हैव यू मेड दिस मिस्टेक, रॉन्गली इन दिस सेल्स लेजर। तो सेल्स लेजर तो हमारा सब्सिडियरी लेजर है, तो ये मिस्टेक वहां पे हुई है। तो फिर मैंने बताया कि इसके अंदर हमने सिर्फ उन मिस्टेक्स को कंसिडर करना है कि जिनका इम्पैक्ट आना है जनरल लेजर में कंट्रोल अकाउंट के ऊपर। तो ये तो मिस्टेक हुई है सब्सिडियरी लेजर में, तो इट हैज नथिंग टू डू विद हमारी जो सवाल दिया है उसमें इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो वी विल इग्नोर दिस। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं क्रेडिट बैलेंसेस ऑन दी सेल्स लेजर 470। अच्छा, मैंने यहाँ पे बताया था ये लिस्ट बनती है, तो सम टाइम्स जैसे कि यहाँ पे ये क्रेडिट बैलेंस आया, यहाँ पे 200, 400 और 5700, ये अगर बैलेंस आपका है, तो ये क्रेडिट बैलेंस आपके पास जो आपका ये लेजर होगा, जब आपका जो कंट्रोल अकाउंट का लेजर आप बनाएंगे कि आपका सेल्स लेजर और कंट्रोल अकाउंट, इसका जो आप बैलेंस, तो यहाँ पे ओपनिंग उठता है डेबिट और यहाँ पे ओपनिंग उठता है क्रेडिट। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने ये 470 जो ये वाला क्रेडिट बैलेंस था वो यहाँ पे आपने नहीं दिया। अगर आपने वो अगर नहीं दिया है तो इसके माने ये है कि जो डेबिट में से क्रेडिट माइनस होता है तो फिर डेबिट कम हो जाता है, तो बैलेंस को कम हो जाना चाहिए। तो 470 से आपको यहाँ पे डालना चाहिए था 470, एंड यू हैव नॉट रिकॉर्डेड दैट, इट मीन्स यू हैव ओवर स्टेटेड योर अकाउंट रिसिवेबल। तो ये 470 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, 470, यानी कि ये वो मिस्टेक है जो कि एरर नंबर टू मैंने ले लिया, तो 470 आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपने क्रेडिट बैलेंस नहीं लिया। तो आपने अपने बैलेंस को, ये जो भी था 17,640, इसको आपने ओवर स्टेट कर रखा, 470 डालते तो बैलेंस कम हो जाता, तो अब आप कम कर दीजिए। अच्छा, डिस्काउंट्स अलाउड हैव बीन इनकरेक्टली टोटलाइज्ड
टोटल। अब देखो इसने ये बताया है कि टोटल, अच्छा डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो हम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में, कौन सी कैश बुक के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड हो रहा होता है डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड के। ठीक, तो उधर से मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज का टोटल हमेशा जनरल लेजर के अंदर आता है, तो ये कह रहे हैं कि डिस्काउंट अलाउड हैव बीन इनकरेक्टली, तो यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दी टोटल करने में, और ये टोटल आपने रिपोर्ट करते हैं कहाँ पे, यहाँ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आप उनको एंटर करते हैं, तो टोटल ही की मिस्टेक हो गई, तो फिर आप इसके माने कि टोटल एंट्री जब सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर आई तो वो एंट्री भी गलत पड़ गई, तो इसके माने इसने इम्पैक्ट किया, तो आप कितनी है इंस्टेड ऑफ 325, तो 325 से आपको अपने अकाउंट को कम करना चाहिए था, और आपने कितने से किया है, 310 से किया है, तो इसके मानिए 325 और 310 15 का डिफरेंस है, तो आपने अपने अकाउंट को डिस्काउंट अलाउड की वजह से कम करना था, 325 से आपने किया, तो आपने ये नहीं किया, तो फिर आप इसको कर दें, तो 15 जो है ये आपका माइनस हो जाएगा, शी विल डिडक्टेड फ्रॉम योर बैलेंस, एरर नंबर 3 ये हो जाएगा। एंड लास्ट फोर्थ, द गुड्स सोल्ड टू हैरी को आपने बेची है 690 की, ठीक है, हैव बीन एंटर्ड इन द अकाउंट ऑफ बैरी इन एरर। अच्छा आपने क्या किया है, हैरी की जगह पे बैरी के अकाउंट में, अगेन इंडिविजुअल अकाउंट कहाँ मेंटेन होते हैं, वो जनरल लेजर में कंट्रोल अकाउंट में तो होते नहीं है, वो होते हैं सब्सिडियरी लेजर में, इट मीन्स यू हैव, अगर ये मिस्टर हैरी एच थे, ये मिस्टर बैरी थे, तो आपने इसमें एंट्री डालना थी, हैरी के अंदर आपने डाल दी, तो ये मिस्टेक आपने की कहाँ है, आपने की है सब्सिडियरी लेजर के अंदर, और मैंने बताया था शुरू में कि हम सिर्फ और सिर्फ उन मिस्टेक को कंसिडर करेंगे कि जो जिनका इफेक्ट सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट यानी कि अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट पे आ रहा है, तो इस एरर का भी हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसको भी फिर हम इग्नोर कर देंगे, तो इसकी मानी है कि सिर्फ दो ही एरर आएंगे, तो हम इनको माइनस करना है, तो टू हमने कंसीडर कर लिए, हम देखते हैं जस्ट 1 मिनट, लेट मी हैव माय कैलकुलेटर एंड टू डू द कैलकुलेशन, तो 17,640 इसमें से मैंने माइनस कर दिया 470, एंड देन इसमें से माइनस कर दिया 15, तो हमारे पास 17,155 हमारे पास आ जाता है, 17,155, दिस इज आवर करेक्टेड बैलेंस ऑफ कंट्रोल अकाउंट, ये हमारे कंट्रोल अकाउंट का सबसे करेक्टेड बैलेंस है, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर, सो वी हैव डन विद द क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, सो आई एम कीपिंग माई वीडियोज वेरी वेरी शॉर्ट, सो रेस्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो दैट्स ऑल फॉर टूडे, सो आई एम जस्ट रिलीजिंग अनदर वीडियो on the balance remaining questions. So thank you very much guys, and we'll see you in the next video. Bye for now. Thank you.